हेलो दोस्तों, तो हमारे BTS के लीडर RM बहुत ही जल्द अब 24 मई को अपना कमबैक करने जा रहे हैं अपने सेकंड सोलो एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन के साथ। और वहीं हम फैंस भी RM के इस एल्बम को देखने के लिए और इसे सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब और एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने RM के एल्बम को लेकर ऐसा स्टेटमेंट रिलीज कराया जहां इन्होंने RM के एल्बम के लगभग 7 सॉन्ग को ब्रॉडकास्ट करने से बैन दिया है। तो दोस्तों, RM के साथ ये सब कोरिया गवर्नमेंट ने क्यों किया एंड अब RM के एल्बम का क्या होगा, तो ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, आप जानते हो कि RM के एल्बम में टोटल 11 सॉन्ग्स हैं एंड इन 11 सॉन्ग में लगभग 7 सॉन्ग को कोरिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। एंड इवन जो RM के एल्बम का टाइटल ट्रैक है लॉस्ट, तो इस सॉन्ग को भी यहाँ तक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, दरअसल गवर्नमेंट ने RM के जो 7 सॉन्ग बैन किए हैं, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड इन अ डे, लॉस्ट, ग्रोइन, डोमोदाची, आउट ऑफ लव, नट, राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन, तो RM के एल्बम के 7 सॉन्ग को गवर्नमेंट ने इसीलिए बैन किया है क्योंकि RM के इन सभी सॉन्ग्स में वल्गर वर्ड्स, गालियाँ और एक्सप्लिसिट वर्ड्स मौजूद हैं। एंड इसमें से कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे भी हैं जिसमें RM ने एंटी सोशल और अनहेल्दी वैल्यूज को प्रमोट किया है। तो सॉन्ग्स में ऐसे वर्ड्स के होने की वजह से इन सॉन्ग को कोरिया गवर्नमेंट ने टीवी पर दिखाने से बैन कर दिया है। तो दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे RM बेसिकली अपने सॉन्ग में गलत चीज़ों के बारे में या फिर मोरल वैल्यूज के सॉन्ग हमारे RM बनाते हैं एंड RM अपने सॉन्ग में अब्यूसिव वर्ड्स को भी यूज करते हैं। एंड क्योंकि टीवी पर अब्यूसिंग और एक्सप्लिसिट वर्ड को ब्रॉडकास्ट करना अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए साउथ कोरिया की टेलीविजन मीडिया ने RM के इन 7 सॉन्ग को इनके वल्गर और एक्सप्लिसिट वर्ड की वजह से ब्रॉडकास्ट करने से बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट की इस हरकत की वजह से हमारे RM के एल्बम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे RM के एल्बम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये बात तो मैं आप सभी को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा एल्बम में स्पॉटिफाई की स्ट्रीमिंग इंपॉर्टेंट होती है एंड स्पॉटिफाई पर हमें RM के एल्बम के इन सभी 11 सॉन्ग्स की स्ट्रीम करने को मिलेगा। तो दोस्तों, साउथ कोरिया गवर्नमेंट के ये सब करने के बावजूद भी क्या आप RM के एल्बम को 24 मई से जोरदार स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में आई लव यू RM जरूर लिखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।